हैप्पी दिवाली आप सभी को। और आज गाइज दिवाली के मौके में मैं आपके साथ इतना अमेजिंग वीडियो लाई हूँ कि जब तक वीडियो चलेगा तब तक आपको हेयर केयर हैक्स मिलेंगी। जी हाँ गाइज, आज मैं आपके साथ हेयर केयर हैक्स शेयर कर रही हूँ, एक नहीं दो नहीं दस नहीं, जब तक वीडियो चलेगा तब तक आपको हेयर हैक्स मिलेगा। और ये दिवाली के लिए बम्पर ऑफर है मेरी तरफ से, तो हैप्पी दिवाली आप सभी के लिए। तो गाइज आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ ज्यादा लेन देन किए बगैर, क्योंकि काफी सारा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स आपके साथ शेयर करना है। तो मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। पहला हैक्स स्टार्ट करते हैं हम गाइस कोम से। जी हाँ गाइस, कोम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। बहुत सी ऐसी लेडीज है जो हेयर को कोम करना नहीं चाहती क्योंकि हेयर फॉल होता है। हो रहा है हेयर फॉल, होने दीजिए, कोई मसले का बात नहीं है, वो क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर हेयर फॉल अगर आप कोम नहीं करिएगा तो आपका हेयर फॉल जो है वो इंक्रीज होते रहेगा, बालों में बैक्टीरिया जो है वो डेवलप होते रहेंगे। तो प्लीज कोम किया कीजिए ताकि नेचुरल ऑयल जो है वो बालों तक आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता रहे। तो प्लीज कम से कम एक दिन में दो दफा आप कोम जरूर करें। कोम को सेकेंड हैक्स गाइज, कोम को प्रॉपर वॉश करना है। जी हाँ, आज सपोज कीजिए मैंने ऑयलिंग किया है, इसी कोम से मैंने ऑयल को अपने बालों में स्प्रेड किया, देन वॉश किया अपने हेयर को और फिर से उसी ऑयल मतलब कोम को अगर मैंने अपने बालों पर डाल दिया, सबसे पहले तो बाल ऑयलिंग हो जाएंगे वापस से। सेकेंड बात गाइज, जितना बैक्टीरिया इसमें बिल्डअप हुआ है वापस से आपके हेयर पे चला जाएगा। तो प्लीज जब जब आप शैम्पू कर रहे हैं तब तब आपको हेयर कोम को वॉश करना है, ये बहुत लाजमी है, जरूरी है। तो इस बात का ख्याल रखिए, हफ्ते में तीन बार शैम्पू कर रहे हैं तो तीन बार कोम को वॉश करना है, दो बार शैम्पू कर रहे हैं तो दो दफा वॉश करना है, कोम को वॉश करना बहुत जरूरी है। तीसरा हैक्स गाइस, इस कोम की जगह आप इस पर स्विच कीजिए। ये आपके बालों में जो है गाइस इलास्टिसिटी बढ़ाता है, मतलब बढ़ाता नहीं है, ये बढ़ाता है इलास्टिसिटी यानी कि लचीलापन। क्योंकि गाइस जब आप देखिएगा, अब विंटर में खास करके ये प्रॉब्लम आती है कि हम जब प्लास्टिक के कोम से कोम करते हैं तो हमारा बाल जो है यहाँ का जो है वो खड़ा खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर ये आप इससे अगर करेंगे ये कोम तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। प्लस गाइज ये हमारे हेयर के स्किन के लिए काफी अच्छा होता है वुडन को। तो गाइज सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इसकी जगह इसको स्विच कर सकते हैं। हाँ, बालों को टैंगल फ्री आप इससे कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर वे में आप इसको ही यूज कीजिएगा, वुडन कोम ज्यादा अच्छा होता है इसके बनिस्बत। चौथा हैक्स गाइज, हफ्ते में एक बार डीप ऑयलिंग जरूर करें, ये बहुत जरूरी होता है, ये हमारे ट्रेडिशन से फॉलो होते हुए आया गाइज। ऑयलिंग काफी जरूरी होता है हमारे हेयर के रूट्स के लिए, ये हेयर के रूट्स को मजबूत करता है, इस मतलब हेयर को कंडीशन करता है गाइज। ऑयलिंग से बेहतर कंडीशनर कोई होता नहीं है यार। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो ऑयलिंग प्रॉपर वे में कीजिए, हफ्ते में एक बार डीप ऑयलिंग जरूर करें, ये आपका चौथा हैक्स है। वीडियो को मतलब एक हैक्स को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि जब तक वीडियो चलेगी तब तक हैक्स आपको मिलते रहेंगे। तो इसीलिए बाद में अगर आपको कुछ पूछना है ऑयलिंग से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगी कि हफ्ते में एक दिन आपको प्रॉपर हेयर को ऑयलिंग करना है, वो भी इसके बाद बारी आती है गाइज। ये हैक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप एक दफा करके देखना और एक दफा नहीं करके देखना, विजिबल चेंजेस नजर आएगा। वो क्या है, वो है रात में सोने से पहले बालों को कोम करके आप चोटी बांधिए, देन आप सोइए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखिएगा, जब आप चोटी खोल के अपने हेयर को कोम कीजिएगा तो आपका बाल जो है मुश्किल से एक से दो बाल अगर ज्यादा उलझे हैं तो टूटेंगे, अदरवाइज नहीं टूटेंगे। लेकिन यही आप गलती मत करना कि अगर आप बिना कोम किए या बिना चोटी बांधे अगर आप सो जाते हैं तो प्लस आप जब सुबह उठकर जब आप बालों को कोम करते हैं तो आपको बाल जो है काफी मतलब गिरते हैं गाइज, काफी टूटते हैं। क्योंकि सोते वक्त गाइज हम करवटे बदलते रहते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हम किस तरह सो रहे हैं, तो बाल उलझते रहते हैं जिसकी वजह से हमारा बाल काफी टूटता है। लेकिन जब आप इसको डिसिप्लिन वे में बांध कर सोते हैं तो सुबह उठकर जब आप हेयर को कोम करते हैं तो आपका बाल ज्यादा मतलब नहीं टूटता। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, काफी अच्छा हैक्स है। नेक्स्ट हैक्स जो है हमारा गाइज वो है काफी इंपॉर्टेंट हैक्स, ये है कि आपको हफ्ते में एक दिन तो मैंने बता दिया कि आपको ऑयलिंग करना है, उसके बाद गाइज दो दिन आपको हेयर मास्क लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी हेयर मास्क उठा लीजिए, अगर आपको हेयर ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो हेयर ग्रोथ वाला मास्क ले लीजिए, हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल वाला मास्क ले लीजिए, लेंथ इंक्रीज नहीं हो रहा है तो उसका, जैसा आपका हेयर का कंडीशन है अपने हेयर के अकॉर्डिंग आपको हेयर मास्क लगाना है हफ्ते में दो दिन। जी हाँ, हफ्ते में तीन दिन हम शैम्पू करने वाले हैं इसीलिए दो दिन हमें मास्क लगाना है, एक दिन हमें ऑयलिंग करना है। इस बात को आप प्रॉपर वे में याद मतलब ध्यान में रखिए। अब मेरी उन लेडीज या उन जेंट्स की बारी आ जाती है जो ऑयलिंग करने से जिनका हेयर फॉल कुछ ज्यादा ही होता है, तो वो एक काम करेंगे, जब आप मास्क लगा रहे हैं तो उसमें आप एक से दो चम्मच ऑयल ऐड कर लीजिएगा, देन आपको अपने बालों को उसके बाद शैम्पू करना। लेकिन गाइज मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक बार डीप ऑयलिंग करके देखिए अपने बालों को। अगर आप ओवरनाइट के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक घंटे के लिए भी जरूर कीजिए, काफी विजिबल डिफरेंट आपको मतलब डिफरेंस आपको नजर आएगा, बाल जो है काफी अच्छे हो जाएंगे, हेल्दियर हो जाएंगे, शाइनिंग।
अब हमारा जो हैक्स है गाइस वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। कितना हैक्स है सब इम्पॉर्टेंट है, सबको ही आपको अपने डेली लाइफ में रूटीन में शामिल करना है। वो है आपको पिलो कवर चेंज करना टाइम टू टाइम। अब आप सोचिए दी कितना दिन चेंज करूं, दो दिन तीन दिन? नहीं, ये बता रही हूं मैं बहुत इजी वे में है। जब जब आप शैम्पू करते हैं तब तब आपको पिलो कवर चेंज करना है, ताकि आपका जो मतलब पिलो कवर में जो बैक्टीरिया है वो आपके फ्रेश शैम्पू किए हुए हेयर पर वापस से बिल्डअप ना हो जाए। तो इस बात को ध्यान रखना है, हफ्ते में दो दिन अगर आप शैम्पू कर रहे हैं तो दो दिन आपको पिलो कवर चेंज करना है, तीन दिन शैम्पू कर रहे हैं तो तीन दिन पिलो कवर चेंज करना है। तो आई होप गाइस आपको क्लियरली समझ में आ गया कि आपको हफ्ते में कितने दिन पिलो कवर चेंज करना है। अब गाइस बारी आ जाती है नेक्स्ट हैक की, वो है कि आप जो रबर बैंड होता है उसका इस्तेमाल नहीं कीजिए। वो बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, तोड़ते हैं, बीच बीच से ब्रेकेज का प्रॉब्लम हो जाता है। उसकी जगह आप स्क्रंचीज का यूज कीजिए, काफी अच्छा होता है, बाल उससे टूटते भी नहीं है और काफी अच्छे मतलब सिल्की एंड शाइनियर होते हैं बाल। और पिलो कवर गाइज आपको ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि कॉटन की जगह आप सिल्क में स्विच कीजिए, ताकि आपका हेयर का कंडीशन अच्छा हो, बाल जो है जितना रफ हो गया है बाल वो अच्छा होने लगे, क्योर होने लगे। गाइज ये छोटी छोटी स्टेप है जो आपके बालों को काफी अच्छा कर देता है, हेल्दियर कर देता है, और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपने क्या रेमेडी ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको इतना अच्छा हेल्दी रिजल्ट मिल रहा है। ये रेमेडी नहीं गाइज, ये आपके डेली लाइफ का एक हिस्सा है जो आपको करना काफी जरूरी है, एक बार करके जरूर देखिएगा। अब गाइज बारी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा, ये गलती बहुत ऐसी महिला करती है जिसकी वजह से उनको यहाँ से जो है बाल जो है वो चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, बाल जो है पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। वो क्या है, वो चोटी जो बांधती है गाइज काफी टाइट बांधती है, बन जो बनाती है काफी टाइट बनाती है, जिसकी वजह से ये हिस्सा जब उनका खिंचाता है गाइज तो ये जो आपका हेयर लाइन है वो पीछे की तरफ चला जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, बालों को जितना हो सके थोड़ा लूज बांधिए, ढीला बांधिए, ताकि आपका हेयर लाइन हिट ना हो। हमेशा याद रखिएगा फीमेल का गाइज ये प्रॉब्लम है कि फ्रंट हेयर लाइन जो है वो पीछे की तरफ जल्दी जाता है, क्योंकि वो ये सब गलतियां करती रहती हैं। तो इसीलिए अगर फ्रंट हेयर लाइन को क्योर करना है तो प्लीज प्लीज ये मिस्टेक ना करें। बालों को जितना हो सकता है ढीला रखिए, जितना हो सकता है लूज रखिए, ताकि आपका जो है फ्रंट हेयर लाइन जो है वो हिट ना हो। अब हैक्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये भी गलती जो है आप बहुत ज्यादा करते हैं। आपको ऑयल जो है अपने हेयर पर दो दिन तीन दिन नहीं रखना है, इससे आपका हेयर जो है वो खराब होने वाला है गाइस, बाल डैमेज होने वाले। देखिए मैं आपको प्लीज अपना मतलब जो मैं फेस कर चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप फेस करें। ऑयल आप लगाते हैं, ऑयल का काम सिर्फ मैं बता रही हूँ एक घंटा दो घंटा में ऑयल का काम हो जाता है, लेकिन हम ओवरनाइट इसको इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि जब हम रात में सोते हैं गाइस तो हमारा बॉडी का फंक्शन जो है वो काम करता है, हील करता है, जो जगह हमारा जख्म हो गया वो जगह हीलिंग होता है। यानी कि मैं शॉर्ट में बताती हूँ, हमारा बॉडी का हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर आप ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन है जो वो अच्छे से हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से आपको हेयर ग्रोथ भी मिलेंगे अगर आप ओवरनाइट हेयर ऑयल के लिए कंफर्ट है। लेकिन अगर आप कंफर्ट नहीं है हेयर ऑयलिंग के लिए ओवरनाइट के लिए, तो आप एक घंटे भी इसको लगा सकते हैं, एक घंटे में भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन जो दो दिन तीन दिन तक लगा के रखते हैं उनके लिए मैं आज का ये हैक्स मैंने उनके लिए ही लाया है, ताकि जो दो दिन लगते हैं वो सुन लीजिए कि क्या हो सकता है दो दिन अगर आप अपने हेयर में ऑयलिंग रखते हैं। तो सबसे पहला गाइस, जो आपका आपने आज ऑयलिंग किया, आपने आज भर रहने दिया इसको, कल भी आपने रहने दिया, तो होता क्या है, जो पॉल्यूशन आप बाहर जाते हैं या फिर आपको ऐसी जगह खिड़की तो होगी गाइज आपके घर में, तो पॉल्यूशन आता ही है, धूल आता ही है हमारे घर में। तो ऑयल के वजह से आपका जो स्कैल्प में जो डर्ट्स है वो बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो आपके पोर्स को क्लॉक कर देता है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपको हेयर ग्रोथ नहीं मिलता है, आपका जो है वो हेयर लॉस जो है वो हेयर फॉल जो है वो इंक्रीज होता है और वो हेयर लॉस में चले जाता है। तो प्लीज मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि अगर आप ऐसा गलती कर रहे हैं तो आज से स्टॉप कर दीजिए। ऑयलिंग का काम सिर्फ एक घंटा या फिर ओवरनाइट इसको आप रखिए, मैं यही सजेस्ट करूंगी। उससे ज्यादा अगर आप ऑयल रख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा, ये आपके बालों को वर्स कर सकता है, आपके स्कैल्प में गंजापन ला सकता है, प्लीज इस बात को ध्यान में रखना। अब जो हमारा हैक्स है गाइस, ये भी गलती बहुत सारी लेडीज जेंट्स करते हैं, वो है कंडीशनर का यूज। कंडीशनर का इस काम जो है स्कैल्प में नहीं होता है, ये गलती मैं करती थी, मेरा बॉल्डनेस जो है इन गलतियों की वजह से भी हुआ है, केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से भी हुआ है कि आप कंडीशनर फाड़ें और पूरे स्कैल्प में लेंथ में लगा लें, ऐसा गलती मत करें। कंडीशनर जो है सिर्फ और सिर्फ केमिकल होता है गाइस, उसका कोई काम नहीं होता है, बल्कि मैं सजेस्ट करूंगी कि उसको लेंथ में भी ना लगाइए। नेचुरल रेमेडी इतना पावरफुल होता ही है कि वो आपके हेयर की लेंथ को भी क्योर करेगा, अगर आप इसको डिसिप्लिन वे में यूज कीजिएगा। तो प्लीज अगर हो सकता है तो कंडीशनर का इस्तेमाल ना करें। फिर भी आप कोई ऐसे जन है जिसको कंडीशनर बहुत ज्यादा पसंद है या जो कंडीशनर के बगैर रह नहीं पाएंगे, तो प्लीज लेंथ पर ही लगाइएगा, स्कैल्प पर बिल्कुल भी मत लगाइएगा, ये आपके बालों को डैमेज करेगा, आपके हेयर फॉल का बहुत बड़ा रीजन बन सकता है गाइस ये। तो प्लीज मेक श्योर कि कंडीशनर का इस्तेमाल ना किया जाए।
अब गाइज आ जाती है बारी जो मैं, अब तो मैं एक्सटर्नल की बात कर ली हूँ, टॉपिकल की बात कर ली हूँ, थोड़ा इंटरनल पर भी फोकस किया जाए। हो सकता है कि आपको कोई विटामिन की डिफिशियंसी हो, तो आप एक काम कीजिएगा, आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ऐसे भी पाए इस पानी का हमें ज्यादा पीना चाहिए, ये सिर्फ आपके हेयर के लिए नहीं बल्कि स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो पानी का इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप आंवला के जूस का इस्तेमाल कीजिए। आंवला का जूस बहुत अच्छा होता है। आंवला का एक आंवला लीजिए, उसमें कुछ काली मिर्च डालिए, उसमें आप थोड़ा सा काला नमक डालिए, ब्लेंड कीजिए, देन छान लीजिए और इसका जो जूस बनता है काफी अच्छा ड्रिंक है गाइस, पीने में भी अच्छा ही लगता है, बुरा नहीं लगता है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा, हेयर फॉल को भी रोक देगा। तो आप आंवले का जूस, बीटरूट का जूस हो गया, तो गाइस जो भी जूस आप बना सकते हैं आप बनाइए पिए। अब जरूरी नहीं कि रोज आपको पीना है, नहीं, आप हफ्ते में 2-3 दिन भी पी सकते हैं, जिससे आपका इंटरनल हेल्थ भी अच्छा होगा, स्किन भी अच्छा होगा। एक टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि आंवला होता है जैसे हमला, तो गाइस अगर आप आंवला, मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, अगर आप आंवला, एक आंवला अगर आप रोज पर डे में लेते हैं तो आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आंवला डे कीप अ डर्माटोलॉजिस्ट अवे। जी गाइस ये एक थ्योरी है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, काफी अच्छा थ्योरी है, इसको अपने रेगुलर लाइफ में जरूर शामिल कीजिएगा। अब आए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बारी है, बालों से लेकर पार्लर जाना बंद कर दीजिए। बालों में अगर आप बालों को सुसाइड नोट देना चाहते हैं तो प्लीज पार्लर मत जाया कीजिए। पार्लर जाने से गाइस दो नुकसान है, एक तो गाइस आपका बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है, दूसरा है कि आप पैसा खर्च कर अपने बालों को नुकसान कर रहे हैं। यानी कि आप स्पा, स्मूथनिंग कुछ भी करा तो लेते हैं, ये वक्तिया तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गाइस इसका पहला सिम्टम्स होता है हेयर फॉल। इतना हेयर फॉल होगा ना आपको कि आप परेशान हो जाइएगा और आकर बोलिएगा दीदी क्या बड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने, प्लीज बता दी हेयर फॉल कैसा क्यों होगा। तो इसीलिए मैं पहले से बता दे रही हूँ कि पार्लर में जा रहे हैं तो प्लीज 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 हेयर से रिलेटेड कुछ ना कराइए। आईब्रो करा सकते हैं, इसके अलावा कुछ मत कराइए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब आ जाती है बारी गाइस के गीले बालों पर कोम ना किया जाए, बिल्कुल भी ना किया जाए, स्ट्रिक्स में मैं मना कर रही हूँ मैं। इससे हेयर फॉल आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब मैं बता रही हूँ कि ये होता क्यों है। हमारा बाल जब गीला रहता है तो काफी नाजुक रहता है गाइस, जब हम कोम करते हैं तो उसका चांसेस ज्यादा रहता है रूट से निकलने का, बीच से नहीं रूट से वो टूटते हैं। तो प्लीज इस बात पर फोकस कीजिएगा कि हम जो है वो गीले बालों पर बाल को कोम करना क्यों मना करते हैं। रीजन यही है कि आपका रूट से बाल टूटता है, तो प्लीज गीले बालों पर कोम ना कीजिए। जब आपका बाल 80% तक सूख जाए तो आप कोम कर सकते हैं। कोम कैसे करना है गाइस, नीचे से बालों को कोम करना है, ऊपर को लेके जाना है और अच्छे से बालों में टैंगल फ्री करना है, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट टिप अभी बता दे रही हूँ आपको कि आपको बालों को गाइस खोल कर नहीं रखना है, हमेशा खोल कर उड़ाते हुए नहीं रखना है। बालों को जितना हो सके टाई करके रखिए, बंद करके रखिए, छोटी करके रखिए, ये आपके बालों को जो है गाइस सेफ करेगा, आपके बालों में डैमेज होने नहीं देगा, आपके बालों में कोई भी बैक्टीरिया को बिल्डअप होने नहीं देगा। जितना बाल आपका सिक्योर रहेगा, बन हुआ रहेगा गाइस, उतना ही आपका डैमेज होने की चांसेस कम रहेगी, हेयर फॉल होने का चांसेस कम रहेगा। तो इसलिए इस बात को आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, बालों को ज्यादा से ज्यादा मतलब बंद करके रखिए, चोटी बनाकर रखिए, बंद करके रखिए, जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसा रखिए। खुला कभी ओकेशन में पार्टी ऐसा वैसा आप रख सकते हैं, अदरवाइज घर पे है तो बालों का इस तरह से ख्याल कीजिए ताकि आपको बाल जो है वो फ्यूचर तक कायम रहे, बाल गिरे ना। बहुत ज्यादा लिंदी हो जाएगी लेकिन मेरा हैक्स खत्म नहीं होगा, तो मैं ये हैक्स बोलकर आपको वीडियो खत्म कर रही हूँ ताकि आप फिर बोर हो जाएंगे, वीडियो ज्यादा देखना पसंद नहीं करेंगे। तो ये मेरा लास्ट हैक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो गाइज ये हैक जो है वो क्या करना है आप बहुत गौर से सुनिएगा, आपको एक ऐसा टोनर अपने रूटीन में शामिल करना है। मेरे पास बहुत ऐसा टोनर है जो आप रोज यूज कर सकते हैं, वैसा आपको टोनर बनाकर रखना है, सोने से पहले उस टोनर का इस्तेमाल करना है, बाल सूख जाए, छोटी बानिए, देन आप सो सकते हैं। गीले बालों में सोना नहीं है, इसके वजह से आपको जुए की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको साइनप्स की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, तो ये बातों का ध्यान रखिए। बालों में टोनर जरूर लगाए लेकिन बालों को सुखा कर सोए, इससे आपको 3-4 बेनिफिट होगा। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आपको हेयर ग्रोथ नजर आएंगे गाइस बालों में, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो वो रुकेगा, हेयर ग्रोथ आपको बहुत अच्छा नजर आएगा और स्कैल्प भी आपका हेल्दी होगा। तो ये गाइस मेरा लास्ट टिप्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि हैक्स खत्म हो गए, अभी भी बहुत सारे हैक्स है लेकिन वीडियो लेंदी होने की वजह से मैं हैक्स खत्म कर रही हूँ। तो वीडियो प्लीज अगर अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं अनदर जो है वो अच्छे से अच्छा रेमेडी आपके साथ ला सकूं। गाइस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस मिलती है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लीजिए, स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेल्थ का, हेयर का, सबका दुश्मन होता है। एंड हैप्पी दिवाली फिर से गाइस, मिलती है अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।